सावधान हो जाइए, एक कप कॉफी बन सकती है जानलेवा। एक कप कॉफी कैंसर के लिए है काफी। खबर देखकर आप भी कॉफी से कर लेंगे तौबा। एक कप कॉफी पीने के तमाम फायदे आपने सुने होंगे, जैसे कॉफी पीने से आयु लंबी हो सकती है, कॉफी भूख को दबाकर वजन घटाने में मदद करती है, कॉफी से कैंसर का खतरा भी कम हो सकता है, और भी वगैरह वगैरह। दरअसल कॉफी हमारे जीवन का वो हिस्सा है जिससे शायद ही कोई अछूता हो। काम की थकान से आराम चाहिए तो कॉफी, रिफ्रेशमेंट चाहिए तो कॉफी, दोस्तों के साथ गपशप लगाना हो तो कॉफी पी लेते हैं, और तो और कॉफी के बहाने ही न जाने कितने नए रिश्तों का जन्म हो जाता है। अब अगर हम ये कहें कि यही कॉफी आपको कैंसर दे सकती है तो शायद आप चौंक जाएं। आप भले ही चौंकिए, लेकिन ये सच है कि कॉफी पीने से कैंसर होता है। अमेरिका के कैलिफोर्निया की एक अदालत ने वहां के कॉफी रिटेलर्स को निर्देश दिए हैं कि वो अपनी कॉफी के साथ लोगों को ये चेतावनी दें कि कॉफी पीने से कैंसर हो सकता है। चौंकाने वाले इस फैसले के पीछे एक्राइल अमाइड नाम का एक रसायन है। ये रसायन कॉफी के दाने भुनने की प्रक्रिया में खुद से तैयार होता है, जो कि बाद में कैंसर होने का कारण बनता है। क्या है पूरा मामला? अमेरिका के एक एनजीओ काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च ऑन टॉक्सिक्स ने मांग की थी कि कॉफी उद्योग प्रोसेसिंग के दौरान एक्राइल अमाइड को हटा दें या फिर प्रोडक्ट पर कैंसर की चेतावनी प्रकाशित करें। एनजीओ ने इसे लेकर स्टारबक्स, डंकिन डोनट्स और मैकडोनल्ड जैसे करीब 90 कॉफी रिटेलर्स पर साल 2010 में एक मुकदमा दर्ज किया था। इन पर आरोप लगाया था कि इन कंपनियों ने कैलिफोर्निया के कानून का उल्लंघन किया है, जिसके तहत हर कंपनी को अपने उपभोक्ताओं को ये बताना आवश्यक है कि उनके द्वारा बेचे जा रहे पदार्थ में ऐसे केमिकल्स मौजूद हैं जो कैंसर की वजह बन सकते हैं। ये 90 कंपनियां ये साबित करने में फेल हुई कि उनकी कॉफी से कैंसर नहीं हो सकता। दरअसल एक केमिकल है एक्राइल अमाइड, जिसकी वजह से कैंसर होता है, और इसी केमिकल की वजह से ये मामला सामने आया है। क्या है एक्राइल अमाइड केमिकल? अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के मुताबिक अगर आप 120 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर स्टार्च युक्त किसी भी भोजन को पकाते हैं तो उसमें मौजूद सुगर एंड एमिनो एसिड के बीच एक केमिकल रिएक्शन होता है, और इसी रिएक्शन की वजह से ये एक्राइल अमाइड केमिकल बनता है। एक्राइल अमाइड मुख्य तौर पर ऐसे पदार्थों में पाया जाता है जो प्लांट फूड होते हैं, इनमें आलू से लेकर ग्रेन प्रोडक्ट और कॉफी भी शामिल है। फ्रेंच फ्राइज और पोटैटो चिप्स में भी ये केमिकल सबसे ज्यादा पाया जाता है। कंपनी का क्या है कहना? स्टारबक्स कॉफ्स के नेतृत्व में कॉफी उद्योग ने कहा है कि कॉफी में उपलब्ध इस रसायन का स्तर इतना कम है कि उससे नुकसान नहीं हो सकता। यदि इससे कोई जोखिम भी है तो वो कॉफी के अन्य फायदों की वजह से ना के बराबर हो जाता है। बहरहाल कॉफी के शौकीनों के लिए ये खबर किसी सदमे से कम नहीं है। कॉफी के भले ही तमाम फायदे हों, लेकिन अगर उन फायदों के एवज में कैंसर मिले तो फिर भला कौन कॉफी पीना चाहेगा? इसलिए सावधानी बरतने में ही भलाई है। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज।